ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम नवदुर्गाय दश महाविद्याय अष्ट महाकालिके अष्ट महालक्ष्मी अष्ट सरस्वती जगज्जननी आदि माता मातेश्वरी माँ राजराजेश्वरी चैतन्यमयी आनंदमयी कल्याणमयी माँ जगज्जननी माँ भगवती नारायणी मातेश्वरी नमो नमः। माँ कमले बम विमले माँ बगले नमो नमः। ओम नवग्रहेभ्यो दश दिगपालेभ्यो ओम सर्वनक्षत्रेभ्यो द्वादश राशिभ्यो नमो नमः। ग्रहराज सूर्य नारायणाय नमो नमः। ओम स्थानदेवी स्थानदेवताय इष्टदेवी विश्वताय कुलदेवी कुलदेवताय नमो नमः। ओम देवनदीभ्यो नमो नमः। कोयल ब्राह्मण शंख नदीभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम ओम। सभी महानुभाव, सभी सब्सक्राइबर, सभी दर्शक, सभी व्यूअर्स, सभी कमेंटेटर्स, सभी को चरण वंदन नमन करते हुए बस देव नदी के पावन भूमि, मेरे साधना पीठ साधना स्थली के पावन भूमि पे आप सबको स्वागत करते हुए टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल, मैं आचार्य संजय, ज्योतिष गुरुकुल अध्यात्म गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। बाप काहे आ जाते हो पंडित जी नदिया में नहाने बिहाने बिहाने, काम धंधा कोनो नहीं बाका। प्रभु हाय प्रभु लोग। इसलिए तो हम आचार्य हैं, आचरण करते हैं तभी कहते हैं, नहीं करेंगे नहीं बोलेंगे। आज मासानाम मासे उत्तम मासे मार्गशीर मास, गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं मासानाम मार्गशीर्षो हम, द्विवती योग में कृष्ण गीता में बता रहे हैं मैं कौन। इस महीना का पावन यह सुंदर स्नान, अत्यंत आनंदपूर्ण स्नान करके देख लो फिर होता क्या है समझ जाना। भाषण नादे राशन पानी प्रभु, इसलिए खुद को स्नान करना पड़ता है और गुरु आज्ञा के अनुसार तर्पण इत्यादि करना पड़ता है, तभी हम जब किसी को बोलेंगे तो हमारा बात का कोई मूल्य रहेगा। खुद जब तब पूजा पाठ हवन कीर्तन नहीं करें, खुद स्नान ना करें और बनाएं वीडियो स्नान कर लो। आज सूर्य संक्रांति, धनु संक्रांति, मुआ संक्रांति, आज मुआ पूजा होता है उड़ीसा में। हमारे कार्तिक महीना कार्तिक संक्रांति में भी तिल का लड्डू का पूजा पूजन होता है और आज शुरू होता है, आज बिक्री भी होगा। तो बाप क्यों बना रहे हो वीडियो प्रभु, क्या हो गया? संक्रांति स्नान का महत्व प्रचंड रहता है, इसलिए सभी को मेरा अनुरोध है, आने वाला समय मकर संक्रांति, इसमें तो गंगा जी का स्नान होता है। कहाँ पर? कलकत्ता। ओ वहाँ तो ज़रूर स्नान करें। और यह संक्रांति स्नान में जो भी आपके कलुष कलमस अंदर रहते हैं वो धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। और हमारे ज्योतिष विज्ञान में और नेचुरोपैथी में आयुर्वेद में स्नान का जितना महत्व बताया गया और किसी का नहीं बताया गया। ऐसे अनऑफिशियल स्नान और ऑफिशियल स्नान का महत्व अलग अलग है, टेक्निकल स्नान का महत्व अलग अलग है। इसमें शरीर से कलुष कलमस धुल जाते हैं, मल विकार धुल जाते हैं और आप फिर से पवित्र और शुद्ध बनते हो, इसलिए स्नान का महत्व ज्योतिष विज्ञान में प्रचंड रखा गया।
और मेरा अनुरोध है कि आप अगला कार्तिक माह में मकर माह में स्नान जरूर करें और गंगा सागर में तो जरूर करना चाहिए, जिसका भाग्य में है। कहते हैं सभी स्नान बार बार, और वो कहते हैं आखिरी में गंगा सागर का स्नान, तो इसलिए ज़रूर करें और करके आना, फिर बताना कि ज़िंदगी का महत्व क्या है। जो नहीं किया वो नहीं समझेगा। लेकिन जैसे आज संक्रांति, सही लग्न मुहूर्त देखे के स्नान करना, ये महत्वपूर्ण रहता है कि किस लग्न में, किस मुहूर्त में मुझे स्नान करना है, उसी के अनुसार स्नान, उसका महत्व रहता है। ऐसे नहीं कि आगे कभी भी स्नान कर दिए, कुछ किया नहीं तो भी उसका मूल्य नहीं रहता है। और स्नान के बाद कुछ ना कुछ जरूर दान दक्षिणा ब्राह्मण भोजन तो कराएं। धर्म मिलेगा नहीं मिलेगा बात का बात, लेकिन यू फील दैट, और अभी मकरू वालों को स्पेशल कह रहा हूँ। शनि बाबा आपके घर में थे, इतना बड़ा पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, नहीं मैं नेगेटिव पाप और क्रूर नहीं कह रहा हूँ, उनके बहुत महत्व हैं। लेकिन जब भी, और दूसरा मेष वाले नवंबर महीना में स्नान करना, फिर अनुभव करना, और जिनका अभी मैं जिनका कुंडली देखा हूँ, राहु महादशा का अंत दशा संधि हो रहा हो और बृहस्पति जोन में आने वाले हैं, या अंतरदशा स्नान, तो पकड़ लो राहु का महादशा हो रहा है या केतु का चल रहा है और आप शुद्धिकरण नहीं हो पा रहे हो। एक तो जिसको बहुत ज़्यादा ग्रसित रहता है बुरे फल, बुरे प्रभाव में पीड़ित हैं, तो स्नान से ही समाधान हो जाता है, और नहीं हो रहा है तो फिर उसके लिए रुद्राभिषेक और चंडी यज्ञ इत्यादि कराना पड़ता है, तो वो एक विषय है। तो इस संक्रांति स्नान, और स्पेशली इस प्रकार का, सूर्य भगवान खुद आज गुरु के घर आ रहे हैं, ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम। तो जब राजा जा रहा है ध्यान गुरु के घर में, तो हम किस खेत का मूली हैं? चाहे खरमास, मलमास, धनुमास, पोष मास, जो भी हो, और ये महीना बोलता है कि स्नान कहता है कि अब प्लानिंग करो, देखना प्लानिंग सक्सेस होगा। तो जितने भी ऐसे पाप प्रभाव के दशा संधि, राशि संधि, संक्रांति, ग्रह संधि, ग्रह युद्ध आपके लग्न में हो रहा हो, तो स्नान करने के बाद मुहूर्त स्नान, लग्न स्नान इत्यादि में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसलिए आपके सन्निकट जो भी, आपका जो पास में नदी इत्यादि है, वही आपके लिए गंगा है, वही गंगा जी है, उसका स्नान करें। तो ये स्नान विधान बहुत प्रकार के रहते हैं। तो आज शुद्धि स्नान, आंतरिक शुद्धि के लिए, और यहाँ पर प्राणायाम के साथ साथ में जब ये सारा समापन हो गया, उसके बाद बैठा हूँ आपके साथ, तो अभी दोबारा केवल आपको बता दे रहा हूँ, ये सारा चीज़ करना है, तब आपको बता, आप बोलना कि आपका जिंदगी में स्ट्रेस लेस हो रहा है या नहीं, तनाव मुक्ति हो रहा है या नहीं, आपके जीवन पे क्रिएटिविटी आता है या नहीं, आपके जीवन पे कर्म सफलता मिलता है या नहीं, आपके जीवन पे शुभता फलता है या नहीं। पक्का फलित होता है सर, पक्का फलित होता है, इसलिए करना है। बड़े चस्के से यार पाण में जाए दुनिया, चलो नदी में फ्रे छुटे अपम बम, समझ में आ रहा है? नहीं तो लटके रहो, सवार बात अन कर दिया, ठंडा ठंडा गर्म पानी नहा लिया है, कचड़ा पानी रखा हुआ पानी आया, PWD वाला पानी भेजा था, तुम नहाओगे, बेकार चीज़ सब कचड़ा, उसमें बोलोगे शुद्धि नहीं हो रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है, टेंशन नहीं जा रहा है। अबे टेंशन नहीं जाएगा, नहा के देखो। मेरा गुरु वैद्य बाबा थे, और मेरा माँ भी बोलती थी,
ठंडा नहाना गरम खाना, कविराज के पास कभी ना जाना। क्या बोलती थी? ठंडा नहाना गरम खाना, कविराज के पास कभी ना जाना। उल्टा हुआ तो बोला गरम नहाना ठंडा फ्रिज से निकाल निकाल के खाना, कविराज के पास डेली जाना। स्वास्थ्य का सूत्र, ठीक है? तो ठंडा नहाइए, गरम खाइए। लेकिन हम लोग आदत हो गया है, ऑनलाइन मंगाओ, ठंडा हो गया फिर खाओ, फिर ठंडा को फिर बासी को गरम करो फिर खाओ, कविराज के पास डेली डेली जाओ, दवाई खाओ, है ना? तो बाप, यह है स्नान का खेल। और आज का संक्रांति भोजन स्पेशल रहता है, पीतल के बर्तन में खिचड़ी, और अगर शुद्ध देसी गाय का घी और दूध मिल जाए तो और बढ़िया। कहाँ सबका भाग्य में होता है, जिसके भाग्य में है वो भाग्यवान है। और संक्रांति का दिन कहता है कि यह माह का महचर्या कैसा रहेगा, दिनचर्या कैसे रहेगा। हर सूर्य अपना दिशा बदलता है, आप देखना, सूर्य बाबा अभी मेरे इस डायरेक्शन पे, आपके भिन्न भिन्न, हमारे यहाँ मेरा दाहिना हाथ इस डायरेक्शन पे हैं, और ये महीना आ जाएंगे पूरा लास्ट क्षितिज पर, फिर सूर्य बाबा का गति इधर हो जाएगा, यहाँ से इधर हो जाएगा। और जब धूप का महीना ख़त्म होता है और उच्च का सूर्य मेष राशि का एकदम यहाँ, और जब कर्क संक्रांति हो जाएगा और सूर्य बाबा निचस्त होने के लिए कोशिश करेंगे तो इधर, आप देख लेना, ये डिग्री एंगल पे सूर्य का आपके पूर्व दिशा से उदय अस्त, इसको फोकस करना कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, उतना निर्णय कर लोगे तो फिर हो गया चमत्कार। सूर्य को ध्यान देना कि कहाँ से उग रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, क्यों? वही कहता है आपका होरा और लग्न को, निर्णय और मुहूर्त को। और हर एक दिन का, अगर सूर्य का हर एक पेड़, मैं एक एक पेड़ और एक एक सिग्नल और एक एक घर से देख लेता हूँ कि सूर्य आज कहाँ चल रहे हैं, और उसी हिसाब में मेरा कौन कौन सा काम करना है और क्या नहीं करना। भोजनचर्या इस माह पे बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्या क्या नहीं भोजन करना चाहिए। आप लोगों का लोकल पंचांग में अवेलेबल है, क्योंकि ये स्थानाचार कुलाचार होता है हमारे ओडिशा के अनुसार, अलग कुछ कमन है, जैसे गोल लाऊ, लौकी और मूली, इस प्रकार का दिन के अनुसार है। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, कई वीडियो में ऑलरेडी पुराने 3-4 साल पुराने वीडियो चैनल में मिल जाएगा सारा आहार निषेध वगैरह है, तो उसको फिर रिपीट करके और बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। यहाँ तो आपको इतना प्रार्थना करता हूँ, चलो अगर आज का संक्रांति, मैं कल से बोल रहा हूँ, ऑलरेडी बना दिया था, जो लोग नहीं किए हैं, अगला मकर संक्रांति से नियम बनाओ, कार्तिक माह को नियम बनाओ, स्नान करना है। और ज्योतिष विज्ञान में कुछ पाना चाहते हो, ज्योतिष को अगर अपने जीवन पे उतारना चाहते हो, ज्योतिष को जीना चाहते हो, ज्योतिष से कुछ पाना चाहते हो, ज्योतिष विज्ञान के अंदर पौंडर अवरिट करना चाहते हो, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, एक बेस्ट राज ज्योतिष ज्योतिषाचार्य बनना है, आचरण करना पड़ेगा, भाषण ना दे राशन पानी, योर अउंस ऑफ प्रैक्टिकल इज बेटर देन टन्स एंड टन्स ऑफ थ्योरी, योर वर्क इज मोर लाउडर देन योर स्पीच। बहुत दूर तक सुनाता है सर, भाषण नहीं सुनाता है। चलिए, ये था आज का संक्रांति स्नान के बारे में कुछ बात। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट बेल बटन दबा दियो। धन्यवाद, नमस्कार, प्रभु।